Well, this is just a small poem that I've written for the basis of patriotism, where people have been teaching what nationalism means, what patriotism basically means. Jahan pe samajh aaye, agar na samajh aaye, I'll try and explain, but it's mostly very simple language. So I think sabko samajh aayegi, agar samajh aa jaye to taali bhi baja dena. सिखाते हो मोहब्बत वतन हर रोज़, क्या शहादत का मतलब भी सिखा पाओगे मेरे दोस्त? वही शहादत जिसका ज़िक्र तुम हर तकरीर में करते हो, मुल्क की फ़िक्र करने का दावा हमसे हर रोज़ करते हो। तुमने कहा हिंदुस्तान को इनसे बचाना है, ये बताओ बंटवारे की लकीर जो तुमने खींची है उसे सच में आज़माना है? सिखाते हो मोहब्बत वतन हर रोज़, क्या शहादत का मतलब भी सिखा पाओगे मेरे दोस्त? कैसे अलग कर दोगे हिंदुस्तान में भाई से भाई का एहसास? अच्छा चलो यही बता दो, दंगाइयों की पहचान कब से हो गया लिबास? क्या हम एक वतन एक खून को मिटा पाओगे? राम प्रसाद और अशवाक की दोस्ती को अफवाह बना पाओगे? सिखाते हो मोहब्बत वतन हर रोज़, क्या शहादत का मतलब भी सिखा पाओगे मेरे दोस्त? हर रोज़ मांगते हो तुम सबूत हमारी मुल्कियत का, कैसे देंगे हम सब हिसाब हर कुं के कतरे का? चिरागे हिंदुस्तान को तुमने कर दिया है घायल, ये बता दो मिल गया अपने नापाक ख्वाबों का साहिल? सिखाते हो मोहब्बत वतन हर रोज़, क्या शहादत का मतलब भी सिखा पाओगे मेरे दोस्त? ये वो देश है जहां अकबर ने हुकूमत का सारा भार बिरबल पर डाला था, ये वही देश है जहाँ शिवाजी की तलवार को हैदर अली ने संभाला था। कैसे अलग कर पाओगे इस गंगा जमुना वाले धर्म मिलाप को? ये बताओ ऐ हुक्मरा, कैसे छुपाओगे अपने किए इस पाप को? सिखाते हो मोहब्बत वतन हर रोज़, क्या शहादत का मतलब भी सिखा पाओगे मेरे दोस्त? वो मगरीब में गांधी, मगरीब बेसिकली मीन्स वेस्ट, मगरीब में गांधी लाठी के साथ आगे आए, मशरक़ से रविंद्रनाथ ने कलम उठाकर गीत बनाए, मशरक इज़ ईस्ट, वेस्ट एंड ईस्ट। कैसे अलग कर दोगे मोहम्मद रफ़ी को सरस्वती राग से? ये बता दो अलग हुआ है क्या कोई नफ़रत की इस आग से? सिखाते हो मोहब्बत वतन हर रोज़, क्या शहादत का मतलब भी सिखा पाओगे मेरे दोस्त? जानते हैं थोड़े से खफा हैं हम एक दूसरे से, मगर कब तक जाने वफा दूर होंगे हमसे? कैसे अलग कर दोगे वो एतिहाद हम सबके दिल से? ये बताओ ए वैबख्त, वैबख्त इज़ अ डिक्टेटर, ये बताओ ए वैबख्त, फ़ायदा तुम्हारा क्या होगा भाई भाई को भाई से लड़ा के? सिखाते हो मोहब्बत वतन हर रोज़, क्या शहादत का मतलब भी सिखा पाओगे मेरे दोस्त? ये वो वतन है जहाँ इकबाल ने पैगाम हक सुनाया था, जिसे सुनकर सारे हिंदुस्तान में इनकलाब आया था। कैसे रोक पाओगे ज़ुबैर को नानक की गीत वहदत गाने से? ये बताओ कैसे सुकून मिलेगा तुम्हें इस मिट्टी को नूर, इस मिट्टी से नूर मिटाने से? सिखाते हो मोहब्बत वतन हर रोज़, क्या शहादत का मतलब भी सिखा पाओगे मेरे दोस्त? खौफ आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, बात सच्ची है जो वही लब पे सदा आएगी। कैसे निकाल पाओगे दिल से उल्फत वतन, मेरे मरने के बाद भी मेरे मिट्टी से खुशबू वतन आएगी? तुम हमें ना ही सिखाओ मोहब्बत वतन मेरे दोस्त, शहादत के लिए हम खड़े हैं संविधान बचाने कफन के आगोश। शुक्रिया। पोएट्री बेसिकली मेया पोएट्री वॉज अ प्रोटेस्ट पोएट्री स्टार्टेड इन असम एंड इट वॉज like taunted, it was taunted, is insulted a lot. So first I will be playing the English translation, then the Assamese one. Write down. I am India. My serial number in the NRC is 20,543.
have two children. Another is coming next summer. Will you hate him as you hate me? Write down, I am a Mia, a citizen of a democratic, secular republic without any rights. My mother is a devotee, though her parents are Indian. Write, I am a Mia, of the Brahmaputra. Your torture has burned my body black, reddened my eyes with fire. Right, I am a Mia. Ami Mia, tumi ango ma, tumar kole jonmo amar, tumar kole jonmo ango baba. আমি তোমার আপন না, আমি তোমার কেউ না। মা, আমারে তুমি ঘৃণা করো, কারণ আমার পরিচয় তোমার কোলে জন্ম নেওয়া আমি সেই অভিশপ্ত মিয়া। মা, তুমি আমারে বিশ্বাস করো না, কারণ আমার মুখে দিগলা দাড়ি, পিন্ধনে লুঙ্গি। মা, আমি তোমার কাছে আমার পরিচয় দিদি দিদি ব্যাকুল হয়ে যাই। তাও হাজার কষ্ট লাঞ্ছনা বাঞ্ছনা সহ্য করে কই, মা আমি তোমার এই ভালো পাই। আর কতদিন এইভাবে চাইপা চাইপা থাকবো, এই ডাগর দেশ বিলা আর কতদিন বোবা হইয়া থাকবো। চাইপা চাইপা থাকলে যদি শান্তি পাইতাম, বোবা হইয়া থাকলে যদি মুক্তি পাইতাম, তেলে তো আমি তাই করতাম। আর কত চোখের পানি ফেলাইলে আমি মানুষ হওয়ার যোগ্যতা পাম, আর কত বুকের রক্ত ঝরাইলে আমার ভাগ্যে জুটব অধিকার। আমাগো মার নামে ডিবুট, বেলাটা দেখি ডুবতাছে, নাল আকাশ কালা হইতাছে, আমি যাওন নাকবো মেলা দু, সামনে শুধু আন্ধার আর আন্ধার। বাবা আড়ে গেছে, মা কুড়ে গেছে, কেসের হাজিরা আছে, আমিও বাড়ি থেকে মেলা বাইতেও খাইবার নাই, গরিবের সমবার চাইল পায়, আমাগো মার নামে ডিভোর্স, তাই চাইল ডাইল গরিবের হইল ওই চাইল আমাগো। দ্যাট ল্যান্ড ইজ মাইন, আই এম নট অফ দ্যাট ল্যান্ড, দ্য ল্যান্ড দ্যাট মেক্স মাই ফাদার এলিয়েন, that kills my brother with bullets, my sister with gang rape, the land where my mother strokes in her heart life burning coals, that land is mine, I am not of that land. The poem Mia poetry has signified this trauma very well. I would just like to read a poem by Maya Angelou. This is a request sent to me by Novina Das. She is a very dear friend of me, but I am missing her here in the event. So this is for her. The poem's name is Still I Rise. You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust I will rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns with the certainty of tides, just like hope springing high, still I will rise.
Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes? Shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard, 'cause I laugh like I have got gold mines digging in my own backyard. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I will rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I have got diamonds at the meeting of my thighs? Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise into a daybreak that's wondrously clear. I rise, bringing the gifts that my ancestors gave. I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. Thank you so much. So now we would change the tone of the event from poetry to stand-up comedy. And I would like to request Mr. Irfan Ali to come on stage. All right, hi guys, good evening everyone. कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा आवाज निकालो यार, अभी सीए लागू नहीं हुआ है, होने वाला है, रिलैक्स. कैसे हैं आप सब लोग? परफेक्ट परफेक्ट, लवली टू सी यू मैन. वो थोड़ा आजकल क्या है ना कि जो देश में माहौल चल रहा है, मतलब उसमें आवाज़ तेज करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो मैंने सोचा साउंड चेक कर लूँ थोड़ा. खैर, एनीवे गाइस, मेरा नाम इरफान है. ओके, लवली टू सी ऑल ऑफ यू हियर. थोड़ा बहुत थॉट्स जो मेरे दिमाग में चल रहे थे जो अभी देश में हो रहा है उसको लेके, आई हैव जस्ट रिटन देम डाउन, सो जस्ट बेयर विद मी, विल सी हाउ डू वी डू हियर. हेलो सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड, परफेक्ट. नहीं, घबराई मत, मैं हमेशा नहीं हूँ, रिलैक्स. एकदम ने नज़र हटा ली, कौन है जी? ऑलराइट, सो यार, हाँ या जो अभी रिसेंटली देश में हो रहा है, आई मीन जो माहौल चल रहा है. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. ऑल गुड, गुड सर. यार कोई भक्त हैं क्या बाय द वे इन द इवनिंग? नहीं, मैंने कहा पहले पूछ लूँ यार, बहुत मैंने ट्रोल रोल करते हैं, गालियाँ भगते हैं साले उसके बाद, तो पहली माफ़ी मांग लूँ. मतलब व्यंग है, किसी को बुरा लगे तो मैं पहली क्षमा मांग रहा हूँ अपने आर्ट के लिए. प्लीज़ सीरियसली मत लेना, जोक्स हैं, बस जोक्स ऐसे लेना, राइट? सो या राइट, CAA वगैरह अभी जो कुछ हो रहा है, बहुत हंगामा मचा हुआ है देश में, राइट? व्हाट डू यू गाइस से सर, क्या लगता है आपको? बहुत हंगामा चल रहा है राइट देश में अभी, नागरिकता कानून और ये और वगैरह वगैरह. सो मेरे एक दोस्त भी आने वाले हैं, एलेक बेली, शायद वो भी परफॉर्म करेंगे आके यहाँ पे. देविका, इफ आई मे आस्क यू, इज एलेक अबाउट टू बी इन ऑर नो? द रीज़न आई एम आस्किंग अबाउट हिम इज बिकॉज यू नो ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड हु हैपन्स टू हु हैज़ ओरिजिन फ्रॉम पाकिस्तान. वो एक क्रिश्चियन है और पाकिस्तान से उनके लोग यहाँ पे आए थे, ठीक है, जो कि सेटल हो चुके हैं. तो उनको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, अनलाइक मी, यू नो, मतलब मैं पाकिस्तान से नहीं आया हूँ, मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ, राइट? उसके बावजूद भी जो आजकल इक्वेशन बन गया देश में, राइट? यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? या व्हाट्स योर नेम बाय द वे? दीपांजना, ओके. सो मोटे मोटे शब्दों में सरकार क्या बोल रही है कि सनी लियोनी, ओके, मियाँ खलीफा नहीं चलेगी भाई. मैं कह रहा ऐसा कैसे होता है यार, मतलब ये क्या लगा रखा है? मतलब कंटेक्स्ट तो एक ही था, मतलब दोनों इंसान हैं. मेरे कहने का मतलब ये था, टर्की वो ताली बजा रहा है, वो बहुत देख के आया साले. मतलब दोनों इंसान है, राइट? आई मीन यू शुड ट्रीट देम इक्वली, आई मीन दैट्स व्हाट द बॉटम लाइन फॉर ह्यूमैनिटी इज. एनी विच वे, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और सोलिडैरिटी ऑफ दिस यू नो बिल के अगेंस्ट आप लोग यहाँ पे आए, तो ऐसा मैं समझता हूँ कि आप सब लोग सोचते हैं कि जो भी अभी देश में हो रहा है थोड़ा सा शायद अजीब सा है और बेटर किया जा सकता था. क्या लगता है सर आपको? क्या आप अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? नहीं, घबराई मत, इसको कोई प्रिंट नहीं करेगा, ये अपने बीच में रहेगा, अपनी बारी बोलेंगे आप इंशाल्लाह. तो अगर इन केस, थैंक यू वेरी मच, आपने डरा दिया और मुझे लाइक तो रुक जा साले, मैं आ रहा हूँ. इन केस अगर ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पे जो यू नो दूसरे पक्ष में हैं या सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है, आप सबका भी बहुत स्वागत है यहाँ पे. आपसे कोई आधार कार्ड नहीं पूछने वाला है, कोई पैन कार्ड नहीं मांगने वाला है, ठीक है ना? और इन केस कोई आउट स्टेशन से आया तो इंडिगो से भी आ सकता है, सब अलाउड है, मतलब अपना कुछ बंद नहीं है, कुछ भी अपने बैन वैन नहीं है. सो लॉट ऑफ स्टफ इज़ हैपनिंग इन द कंट्री दीज डेज यार. लेकिन एक्चुअली आपको पता है दीपांजना, ये सब जो चल रहा है अभी, राइट, व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ,
ये अभी से शुरू नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है. दैट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस दैट्स बीन गोइंग ऑन, राइट? व्हाट डू यू से? आपको ऐसा लगता है कि एकदम से एक कानून आया और बस हंगामा मच गया? ये बहुत धीरे धीरे सिस्टमैटिकली ये काम चल रहा था, राइट? सो लेट्स कट बैक टू 2014 जब ये सरकार नई नई आई थी हमारे पास, वो चल रही है, राइट? हाय रब्बा, तुम ऐसी तो नहीं दिखती यार, मतलब फिर आप 18 की थी, राइट? राइट, ओके. गिविंग ऑल द क्रेडिट फॉर वट एवर दिस गवर्नमेंट हैज डन विच इज नथिंग, बट ओके. आई मीन आई नो उस टाइम एक अलग माहौल था, करप्शन का बहुत दौर चल रहा था, लोगों को उम्मीद थी कि भाई नया कोई आएगा तो कुछ नया काम करेगा, राइट? बट एग्जैक्टली सब लोग लगा रहे. मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ. इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट टाइम कि भाई शायद ये आदमी, अच्छा भैया पास में बोल रहे हैं तू ज़्यादा बात मत कर, तू मेरे साथ आइए हैं, उससे क्या बार बात कर रहे हैं. नहीं नहीं, डोंट वरी सर, आई मीन शी इज़ विथ यू, आई एम जस्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कन्वर्सेशंस, यू नो, आई मीन दैट्स व्हाट, दैट्स हाउ वी मेक ह्यूमर इन लाइफ. सो एब्सोल्युटली राइटली एज यू सेड कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ नया काम होगा, कोई नया आदमी आए, कुछ अच्छा काम चलेगा. बट प्रायोरिटीज बहुत ज़रूरी है, राइट, इंसान लाइफ में, राइट? व्हाट डू यू गाइस से, प्रायोरिटी ज़रूरी है? आप लोगों को क्या लगता है, राइट? इंसान भूखे मर रहे हैं, अपने पास हॉस्पिटल नहीं है, अपने पास स्कूल नहीं है, मतलब है लेकिन और अच्छा किया जा सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना है, मतलब एक ऐसा लॉ बनाना है जो डेफिनेटली मोटे मोटे तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश या फिर यू नो थोड़ा सा क्या वर्ड बोलते हैं उसको हिंदी में यार, डिस्क्रिमिनेट करता है, राइट? ऐसा मुझे महसूस होता है, रे हिंदी में बोल के डिस्क्रिमिनेट कर दिया मैंने, ये जोक था भाई, आपने पकड़ लिया इसको, सॉरी वर्ड, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत. अरे भाई साहब, आपका नाम बताइए सर. सर आप समझ सकते होंगे मतलब क्या चल रहा है आजकल, मतलब डर डर के बोलना पड़ता है, मतलब सो के उठता हूँ तो भी डर लगता है भाई बाथरूम वाथरूम जाने में भी. सो दीपांश हम लोग जो बात कर रहे थे, जो 2014 को जो माहौल बना, एक तो इस गवर्नमेंट की खासियत क्या है यार, सारे काम रात में करते हैं, नोटबंदी फटाक से हो गई, राइट? बिल पास हो गया रात में, मतलब भाई सुबह भी कुछ काम कर लो, राइट? मतलब इनके लिए मैंने जल्दी उठना शुरू कर दिया लाइफ में. एक्चुअली मैं पहले बहुत देर से उठता था, मैंने कहा आज देखूँ क्या चल रहा है, अच्छा आज ये हो गया, ओके. मतलब ऐसा अजीब सा माहौल बना के रखा हुआ था. सो एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड यू अग्री विथ मी, भाई साहब मियाँ खलीफा के फैन, सुनो तो द पिछले 5-7 साल में जो मतलब ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि एक अनवांटेड एग्रेशन, ज़बरदस्ती का जो ज़रूरत नहीं है, राइट? डू यू गाइस फील दैट्स हैपनिंग इन लाइफ दीज डेज? अनवांटेड एग्रेशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट. मतलब मुझे याद नहीं कि यार कि कोई आके किसी को किचन में जाके चेक करेगी कि तुम क्या खा रहे हो और जाके मार दे, राइट? दैट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी. व्हाट डू यू गाइस थिंक? दैट्स नॉट नॉर्मल, राइट? थैंक यू फॉर सेइंग यस, व्होएवर सेड दैट, बिकॉज आज भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं ऐसा कि भाई गलत है. नहीं तो आजकल कुछ भी चल रहा है, जाके माला पहना देते हैं उन लोग को, ऐसा थोड़ी होता है भाई. सो एनीवे थोड़ा सा डीप हो गया है, मैं जोक्स पे आते हैं वापस. तो मोदी जी ने भाई शुरू करा कि मैं गुजरात मॉडल बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, लेकिन वो ईयर स्पेसिफाई करना भूल गए. द ईयर वॉज 2002. गुजरात मॉडल बनाऊंगा लेकिन लेकिन देश में जो माहौल मैं बनाऊंगा वो मतलब एक खतरनाक माहौल होगा, मतलब सीरियसली. सो उन्होंने ऐसा मॉडल अप्लाई किया लेकिन वो हो ना पाया. और हर चीज़ इफ़ यू सी यू नो पाकिस्तान बैशिंग इतनी ज़्यादा है अपनी कंट्री में, राइट? मतलब इफ़ यू हैव टू बी पेट्रियाटिक और नेशनलिस्ट, मतलब आई हैव नो लव फॉर दैट कंट्री. वो हमारी शायद 20% है हमारी कंट्री को लेके. हमारी कंट्री बहुत महान है, राइट? वी आर मच बिगर देन दैट इन टर्म्स ऑफ आवर इनकम, GDPs, आर्मी, एवरीथिंग, राइट? वी आर मच बेटर देन देम. लेकिन चूंकि एक तबका हमारे देश में ऐसा रहता है जो कि शायद उसको पोलराइज किया जा सकता है, तो मतलब एक अजीब सा ही माहौल बना हुआ है, राइट? वुड यू अग्री टू दैट दीपांजना, राइट? वी हैव बेटर थिंग्स टू टॉक अबाउट, राइट? अगर कम्पीट करना है तो चाइना से कर लेते हैं, राइट? वो सिक्किम में आके हमारी ज़मीन ले लेता है. हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी. एग्जैक्टली तो वो नहीं कर पा रहे हैं. यू नो व्हाट द फनी पार्ट इज, इफ़ यू सी ऑन अ रैशनल बेसिस, चाइना हैज़ बीन अप्रेसिंग अवर लैंड मच मोर देन पाकिस्तान इज. उनकी औकात भी नहीं है, चाइना की ज़्यादा है, लेकिन और वो घुसते भी हमारे अंदर. लेकिन आपको एक बात पता है, चाइना और इस सरकार में कॉमन क्या है? नहीं नहीं नहीं, द हेट फॉर द, हाँ वो भी है, वो भी है भाई, भाई भी कॉम्पिटिशन दे रहा है, वो भी है, लेकिन बोथ ऑफ देम हेट वन पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल एक्चुअली, और दे डोंट वॉन्ट टू ट्रीट देम. हाँ ठीक है, चल रहा है, चल रहा है. गाय की बात बहुत चल रही थी, गाय नहीं खाना ऐसे. अरे कौन खा रहा है भाई गाय, मतलब किसी कोई नहीं खा रहा है, राइट? आई डोंट थिंक आई एम ए मुस्लिम, आई हैवंट ईटन बीफ एनी टाइम बिकॉज टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बता रहा हूँ. पर फिर भी नहीं. लेकिन यू नो गाय गाय का इतना हंगामा लगा रहा है. लेकिन इफ़ यू गो टू, इफ़ यू सी द रिलेशन विद ट्रंप,
हु इज अ काउ ईटिंग प्रेसिडेंट, उसको जाके गले मिल लेंगे एकदम, अरे भाई आ जा भाई, अरे भाई तो ऐसे लोग को तुम्हें मार रहे हो राइट. सो दैट्स डेफिनेटली नॉट हैपनिंग. नो आई मीन दैट्स, अगर मोदी जी की भाषा में कहें तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई, मतलब कुछ भी आप करोगे और राइट. सो बीच बीच में नोट्स रेफर करूँगा, प्लीज़ डोंट माइंड दैट, बिकॉज मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि जो भी मोटा के चाहूँ बोल दूँ, मतलब थोड़ा बहुत लिखा है ऐसा तो है राइट. सो एक्चुअली क्या है ना यार, मोदी जी बहुत ही सटीक और बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन ऐसा मेरे को लगता है, मतलब उनके बहुत ही पत्ते बिछा के चलते हो. क्या लगता है सर आपको, खुल के बोलिए यार, मतलब भाई तो डर गए. क्या नाम है सर आपका? अशर खान. अशर खान साहब, क्या समझते हैं मोदी जी के बारे में, क्या वो बहुत ही एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है? कुछ ज़्यादा नहीं समझता मैं. नहीं मैं समझता हूँ आप क्या समझते हैं, इट्स ओके. मैं समझता हूँ आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं अभी. कोई डर के बारे में बात कर रहा था अभी. आई एम जस्ट किडिंग मैन, यू लुक लाइक अ वेरी यंग ब्राइट मैन, सो जस्ट किडिंग. तो एक्चुअली यार आजकल क्या बहुत जो ज़माने में चल रहा है, सीरीज़ का बहुत फैशन है राइट. इमाद भाई माई ओल्ड फ्रेंड, यू मस्ट बी एबल टू रिलेट टू दैट. आजकल सीरीज बहुत चल रही है नेटफ्लिक्स. एनी नेटफ्लिक्स फैन हियर बाय द वे? एनी नेटफ्लिक्स फैंस हियर? अमेज़न प्राइम, मेक सम नॉइज़ गाइस, थोड़ा आवाज़ भी कर सकते हैं. परफेक्ट परफेक्ट, काफ़ी फालतू लोग आए हैं वैसे. अरे मेरे को मालूम नहीं था, बताया कि अपन इंटरव्यू में जाके बोल सकते हैं हॉबीज में क्या नेटफ्लिक्स देखते हैं सब. एक बार ट्राई किया, बोला भाग पहुँचड़ी के. मतलब भगा दिया साले ने मेरे को, बोला क्या बोल रहा है साले, नेटफ्लिक्स वगैरह ऐसा नहीं चल पाया वहाँ पे. सो या सो इन दिस एज ऑफ नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन एंड सीरीज, यू नो मोदी जी बहुत अच्छे समझते हैं कि सीरीज़ का फंडा बहुत चल रहा है, तो वो क्या करते हैं ना, हर साल एक सीरीज़ और एक एपिसोड लाते हैं. जैसे अपने इसमें आता है गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह में, हर साल एक एपिसोड चलता है. पहले साल एपिसोड चलेगा लव जिहाद, दूसरे साल चलेगा बीफ मत खाओ, बीफ मत खाओ, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग. और उसके बाद ये एपिसोड चलते रहते हैं, मतलब यू नो दे हैव टू बी टारगेटिंग वन पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल. लेकिन इन सब के बीच में आपने नोटिस किया होगा जो सब टाइटल चलते हैं, आपने देखा है नेटफ्लिक्स में सब टाइटल आते हैं, स्टोरी कुछ भी चल रही हो, एपिसोड कुछ भी चल रहा हो, मोदी जी का सब टाइटल क्या रहता है? गांधी 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 गांधी, नेहरू नेहरू नेहरू, राजीव गांधी, राहुल गांधी, गांधी गांधी गांधी, मतलब कुछ भी हो भाई. मोदी जी क्या हो गया, मतलब आपने सुबह नाश्ता नहीं किया? अरे बहन जो नेहरू ने नहीं बनाया यार, मतलब हर चीज़ नेहरू थोड़ी करेगा यार. आई हैव नो लव फॉर दैट गाय, आई मीन टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम वेरी अपोलिटिकल टू बी रियली ऑनेस्ट. लेकिन जो आजकल हो रहा है उससे थोड़ा सा पॉलिटिकल मैं भी जागरूक हो गया हूँ कि क्या चल क्या रहा है भाई लाइफ में. सो ये जो नेशनलिज्म का जो चोगा ओढ़ना पड़ता है आजकल, पेट्रियाटिज्म का, पाकिस्तान को गाली बको, ठीक है बको भाई, लेकिन जो यहाँ वाले उनको तो प्यार कर लो राइट. मोदी जी ने उसके बाद बोला कि घर में घुस के मारेंगे. एनीवन रिमेंबर दैट, उनका एक नोट आया था भाषण, घर में घुस के मारेंगे. वो बताना बोल के यूपी की बात कर रहे थे. आजकल आपने देखा होगा यूपी में जो चल रहा है राइट, द वे पुलिस इज एंटरिंग द हाउसेज एंड बीटिंग एवरीवन राइट. सो दैट इज नॉट डन मैन, दैट इज डेफिनेटली नॉट अ राइट साइन फॉर अ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट. आप लोग को क्या लगता है इस बारे में? हाँ ना मे बी, ब्लैंक फेसेस मीन्स हम डरे हुए हैं. सॉरी वर्ड, राइट 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 राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. नहीं सर थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर रहा था, मतलब बिल्कुल गुस्सा मत करिए, मैं बहुत डरा हूँ पहले बता दूँ सर. मैंने चल मैं बिल्कुल डर जाऊँगा पहले ही बता दूँ राइट. सो कुछ कुछ चीज़ें और चल रही थी ना, ये जो एपिसोड्स मैं बता रहा था, इफ़ यू हैव टू टॉक जस्ट अ बिट मोर अबाउट दैट. प्रांजना, सॉरी दीपांजना, शिट सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट. सो कुछ दिन पहले लव जिहाद का एपिसोड शुरू हुआ, आई रिमेंबर व्हेन जब योगी जी चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, डू यू रिमेंबर द लव जिहाद द थिंग विच हैपेंड राइट? अपेरेंटली दे डिस्कवर्ड समथिंग कॉल्ड एंटी रोमियो स्क्वाड. रोमियो एंड जूलियट वर एक्चुअली द एपिटोमी ऑफ लव, यू नो मतलब मोहब्बत की प्रताकाष्ठा हुआ करते थे वो लोग. उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिए नाउ व्हाट. जी सॉरी, हाँ मॉरल पुलिसिंग, डू यू थिंक दैट्स डन, डू यू थिंक दैट्स रिक्वायर्ड राइट? अगर एक लड़का और एक लड़की अपनी मर्जी से साथ में रहना चाहते हैं, इज दैट नॉट ओके? व्हाट डू यू गाइस थिंक? दैट्स ओके राइट? दैट्स ओके राइट? क्योंकि ये भी तो मन की बात है भाई. ये भी मन की बात है भाई, इसको भी सुन लो यार. सिर्फ अपने मन की बात बोलोगे तो कैसे काम चलेगा राइट? और इस पर हिट क्या हुई जब ये सब चल रहा था यूपी में, हंगामा चल रहा था, मतलब आप यार लव जिहाद अलग अलग एपिसोड करते रहते, फिर ट्रिपल तलाक बीच में आ गया राइट, कि तलाक तीन बार बोल, कौन बोलता है बहन चो, मतलब सॉरी कौन बोलता है यार, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अलाउड, बट इफ आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी को अप्रेस सॉरी अफेंड कर रहा हूँ, अप्रेस अफेंड कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आई ट्राई टू कंट्रोल द लैंग्वेज.
सो हलवा थोड़ी यार कि तलाक दे दिया उठा के, राइट? आई एम मैरिड बाय द वे, मेरी शादी हो चुकी है और मैं जानता हूँ एक बार आप फंस, मतलब एक बार आप शादी कर चुके हैं तो ऐसे नहीं दे सकते भाई, हलवा थोड़ी कि तीन बार दे दिया, राइट? फन फैक्ट, द नंबर ऑफ केसेज फॉर ट्रिपल तलाक कम्पेयर टू द नंबर ऑफ केसेज रेप केसेज इन इंडिया इज एस्ट्रोनॉमिकली लोअर, 0.5% भी नहीं जितने रेप केसेज में। कानून कहाँ बन रहा है ट्रिपल तलाक के लिए, और रेपिस्ट का क्या हो रहा है, वो लोग सरकार बना रहे हैं, राइट? सो मतलब समझ रहे हैं प्रायोरिटीज़ की जो मैं बात कर रहा था, आप क्रोनोलॉजी समझिए, समझ रहे हैं? क्रोनोलॉजी समझिए अब क्या चल रहा है मतलब। सो और बड़े प्यार से हमारे होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने बोला कि हम सबको नागरिकता दे देंगे, यू नो रिलीजन बिलोंग टू ए। अच्छा बाय द वे सर, मैं किसी को अगर अफेंड कर रहा हूँ तो मैं पहले सॉरी बोल दूँ, मतलब दीज आर जस्ट जोक्स, ओके? आपको शायद कुछ बुरा लग गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, राइट? परफेक्ट। सो जिस तरह हमारे गृह मंत्री साहब ने बताया कि यू नो हम सबको नागरिकता देंगे ए बी सी डी ई, बस एक सेक्शन का नाम छोड़ दिया, समझ में नहीं आया, मतलब कोई गेस नहीं कर पाया कि इस सेक्शन की बात हो रही है, मतलब इतना क्यूटली उन्होंने बोला कि भाई हमारा तो कोई है नहीं, मतलब अच्छी बात है अगर आप किसी की मदद करना चाह रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, राइट? ह्यूमैनिटी इज़ वेरी गुड, लेकिन सिलेक्टिव ह्यूमैनिटी आई थिंक इज़ नो लेस देन सिलेक्टिव कम्युनलिज्म, राइट? अगर आप लोगों को बोलते हो कि भाई हम इसका इसका करेंगे तो भाई सबका ही कर दो ना अगर आप इतने अच्छे हो तो, राइट? पर वो उनसे हो ना पाया। एनीवे, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये सब जब चल रहा था, ट्रिपल तलाक वगैरह हो रहा था, और उसी दौरान क्या हुआ दीपांजना, आपको याद होगा अडल्ट्री वाला लॉ उन्होंने पास कर दिया, राइट? सो अगर आप अपने यहाँ खुश नहीं हो, आप बाहर जाके खुशी ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर यहाँ खुशी नहीं मिल रही तो इसको सही करने का मौका हम आपको नहीं देंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब भाई चल क्या रहा है यार, क्या हो रहा है? एंड यू नो द फनी पार्ट इज़, ये सारे कानून कौन बना रहे हैं, जिन्होंने आज तक शादी नहीं करी है। मतलब तीन बार बोल के छोड़ोगे तो जेल में डाल देंगे, और बिना बोले छोड़ोगे तो वोट डाल देंगे। ये क्या है यार, ऐसा थोड़ी होता है भाई। सो एनीवे, फिर उसके बाद ये शरणार्थी घुसपैठियों का डिस्कशन आया, शरणार्थी कौन है, घुसपैठी कौन, सॉरी फन फैक्ट, नाउ जब भी ऐसा कुछ होता है ना, जब ये एक उस सेक्शन के बारे में बात होती है जिसको ये लोग मेंशन भी नहीं करना चाहते, इनके दो इन्होंने काफ़ी होनहार और काफ़ी बहादुर शरणार्थी पाल रखे हैं, नेमली मुख्तार अब्बास नकवी एंड शाहनवाज हुसैन, वो जाके सबको डिफेंड करते, राइट? तुम लोग को याद है कोई क्रिकेट का शौकीन है जो बचपन में क्रिकेट खेलता था यहाँ पे, सब है ना? तुमको याद है वो जब अपन शॉट मारते थे और नाली में जाके बॉल गिर जाती थी, राइट? तो वो दो लड़की नहीं थी जब बॉल निकाल के ला, याद है? मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन। फन फैक्ट, बोथ ऑफ देम आर मैरिड टू हिंदू वुमेन, विच आई रिस्पेक्ट। आई मीन उनकी मर्जी, वो शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनके मन की बात है तो सबके मन की बात भी हो सकती है, राइट? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मन की बात सुन लेना चाहिए। नाउ फन फैक्ट, हार्दिक पटेल की उन्होंने एक सीडी पकड़ी, बोला कि ये सेक्स कर रहा है। अरे भाई तन की बात भी होती है, तुम मन की बात ही करते रहोगे क्या? मतलब बात हो गई, दैट्स वेरी नॉर्मल, राइट? यू कांट अक्यूज समवन ऑफ दैट ही इज हैविंग सेक्स विद समवन, राइट? आई मीन दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एक्टिविटी, पर नॉर्मल ये लोग नहीं कर पाते ना। सो एनीवे, सो एनी विच वे, नाउ इसके बाद आते हैं यार, आजकल बहुत वो चल रहा है फेसबुक और ट्विटर वगैरह सब कुछ। एनी फेसबुक फैंस हियर, एनी ट्विटर फैंस हियर, मेक सम नॉइज गाइस इफ यू आर। परफेक्ट परफेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा अपन जब ये सब सोशल मीडिया में रहते हैं, राइट? ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, अपन जब चैटिंग कर रहे होते हैं, सो इट्स वेरी इजी टू टेक्स्ट एंड टॉक, राइट? बिकॉज यू कैन हाइड योर इमोशंस, वुड यू एग्री टू दैट, राइट? आप खुश हो तो आप ठीक है, किसी को अगर आप खुश नहीं भी हो तो यू कैन जस्ट पुट अ स्माइल एंड जस्ट टेल देम कि हाँ ठीक है चल रहा है यार, राइट? तो जब भी आप रियल बातें करते हैं लोगों से, जैसे कि इकोनॉमी, इक्वालिटी, महंगाई, डिस्क्रिमिनेशन, तो एक स्माइली आता है। वो स्माइली पता है क्या होता है? सब चंगा सी, सब चंगा सी। अरे भाई तुमने यहाँ पे लोगों कर दिया नंगा सी, तुम क्या चंगा सी कर रहे हो यार, भड़का रहे हो तुम दंगा सी और सब चंगा सी, ऐसा नहीं होता यार भाई। उसके बाद क्या होता है, फिर ये एक कैनेडियन सिटीजन को पकड़ के लाते हैं, वो इनके हर मुद्दे पे बायोपिक बना देता है। अबे बायोपिक है कि हारपिक है भाई, तो कुछ भी धोए जा रहा है, मतलब कुछ भी दाग धो देगा तू, मतलब हारपिक डाल डाल के बायोपिक भी बायोपिक कर रहा है, मतलब खैर नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो लोग केस फेस कर देते हैं आजकल, तो जाने दो। मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मेरी इंडियन सिटीजनशिप है, जस्ट टू लेट यू नो, मैं कनाडा से नहीं आया हूँ। और एनीवे, सो व्हाट आई एम टेल यू इज, एनी सॉर्ट ऑफ डिसेंट और एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग टू गवर्नमेंट, उसको बहुत ही एंटी नेशनल रूप दे दिया जा रहा है आजकल, राइट? क्या बोलते हैं आप? मैम वुड यू एग्री टू व्हाट आई एम सेइंग, या वुड यू एग्री टू दैट व्हाट आई एम सेइंग? ना ना द वन बिहाइंड यू जो मुझे बहुत इग्नोर कर रही हैं,
मतलब वो पूरे पूरे कथा में वो अपने फ़ोन में ही दिए हैं। अबे क्या बोल रहा है, मैं तो मोदी को ही वोट देती हूँ यार, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है। वुड यू एग्री टू दैट जो मैं बोल रहा हूँ, राइट? आजकल गिव इट अप फॉर अ मैन। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि आजकल कुछ भी अगर डिसेंट होता है गवर्नमेंट के खिलाफ या कुछ भी क्वेश्चनिंग होती है तो उसको बहुत ही एंटी नेशनल फेवर दे दिया जाता है, राइट? कि आप पेट्रियाटिक नहीं हो वगैरह वगैरह, राइट? आई मीन डू यू थिंक दैट्स राइट? आपको क्या लगता है इस बारे में? यू अग्री विद दैट, राइट? ऐसा होना चाहिए? यस, थैंक गॉड। मेरे को लगा भाई चाकू पड़ेगा इसके बाद, ये आके मुझे बोलेंगे कुत्ते। एनीवे, थैंक यू फॉर दैट सहमति जो आपने दी। सो अगर आप ऐसा करते हो दीपांजना, सो आपको अलग अलग टैग दे दिए जाते हैं, अर्बन नक्सल, अर्बन माओइस्ट, अर्बन ये, अर्बन वो, राइट? उसके बाद फिर उनको सपोर्ट करने के लिए वो एक आता है रात को 9 बजे, अर्बन बेशर्मी, क्या नाम है उसका, मतलब 4 लोग को बुला के भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, मतलब हर चीज़ भौंके जा रहा है यार, कुछ भी, मतलब अर्बन बेशर्मी चल रही है यार, हद है। आई मीन फन फैक्ट इज द वे इट्स गोइंग, यू नो दिस डिसेंट को दबाना वगैरह, इट्स लाइक अ डिक्टेटरशिप, ऐसा लगने लगा है मुझे। दीपांजना क्या लगता है आपको, डू यू थिंक इट रिलेट्स टू अ डिक्टेटरशिप समवेयर, जो आजकल चल रहा है डिसेंट को दबा देना और आवाज़ ना उठाने देना, राइट? फन फैक्ट, आई डोंट नो व्हाई हमारे गृहमंत्री का जो लास्ट नेम अमित शाह है वो बहुत ही राइम करता है तानाशाह से, यू नो आई डोंट नो व्हाई, ताने भी बहुत मारते हैं वो। सो ऐसा कुछ कुछ चलता, और उसके बाद फिर ये जो बिल आया सी ए का, इन्होंने जिसमें करा कि भाई हम लोग सब कुछ करेंगे इसको सब, सो नाओ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट हैपेंड, शाहीनबाग का जो अभी सब चल रहा था अभी भी चल रहा है, काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई। सो उन्होंने बोला कि हम भी कुछ करेंगे, क्या करना है, चल मिस कॉल दो, इस नंबर मिसकॉल दो। उसके लिए कैसे एडवर्टाइजिंग हो रही है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, जॉब मिल जाएगी इस पर मिस कॉल दे दो। उसके बाद तो मतलब वो कुछ भी बोलने लग गए कि आज रात को अकेले हो तो मिस कॉल दे दो, और उसके बाद वो गिन के बता रहे कि हैं इतने सारे हमारे पास लोग हैं। अरे भाई मतलब किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार तुम लोग, ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। सो लॉट ऑफ फनी थिंग्स वर हैपनिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जो मैं आपको सब बताना चाह रहा हूँ, सबका सार क्या है कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो शायरी हियर, लेकिन एक बहुत ही फेमस शायर हैं राज इंदौरी साहब, उनकी 2 लाइनों से समाप्त करना चाहूँगा अपना मेरा जो सेट है। उनका एक शेर है जो इस तरह कहा जाता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, या कई घर जद, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। अरे भाई बहुत शायर बैठे हैं, बस राइम कर रहे, तो मैं कॉमेडी नहीं, मैं शायर थोड़ी हूँ। मैं सिर्फ राइमिंग पे ध्यान देता हूँ, आप शेर अपने इसमें सुनाना आगे। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, राइट? मेरे साथ बोली क्या था, नहीं शुरू से बताइए एक बार, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सबका खून है शामिल इस मिट्टी में, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, दैट्स माय टाइम, थैंक यू इरफान। तो देयर वाज अनदर पोएट but she couldn't come, Krishna. She has sent me her poem, so I'll read it out. Sinful religion. I saw their souls. Their souls were whole. I saw their religion. It was divisive. My way is right, they said. Ergo, everyone else must be wrong. Same reason for killing. Same old song. The dead and the killer were separated by scriptures, and the deaths resulted in the burning of shrines. Satan and humans signed a contract of atrocity. Men were pulled from the bedrooms, and their relatives performed the last rites before the death. The tears of the newly widowed failed to cover the nakedness of their bruised bodies. Think, oh think, is your God so small, so narrow, that it built one path to heaven? This was when religion emerged regal and humanity died 1,000 times. We are all but microbes on a grain of sand, spinning on an endless beach eternally. Evolve then beyond religion. Superstition leads to perdition. The hell of the mind for those too blind. When would this religion chain loosen the grip? When would man derive the courage to break this evil shackle? Tell me, when would man derive the courage to break this evil shackle? Now I would like to call upon Saima Afreen.
गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए. लामका का शुक्रिया और देविका का शुक्रिया जो ये शाम ऑर्गेनाइज़ की है उन्होंने. दिस इज़ द टाइम ऑफ डार्कनेस एंड वी ऑल कलेक्टिवली नीड टू इरेज इट. अगर हम सब साथ में मिलकर नहीं बोलेंगे तो अंधेरा कभी रुखसत नहीं होगा. पेशे से मैं जर्नलिस्ट हूँ एंड कपल ऑफ वीक्स अगो आई वॉज इंटरव्यूइंग द सेलिब्रेटेड पोएट ऑफ इंडिया मंगलेश डबराल जी, जिनकी कविता में बहुत ताकत है, बहुत बड़े शायर हैं. तो और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शायरी की, पोएट्री की. मंगलेश जी से मैंने सवाल किया, व्हाई डू यू थिंक पोएट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग अ चेंज इन अ पॉलिटिकल सिचुएशन. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट फैज़ अहमद फैज़, गार्सिया लोरका एंड अ लॉट ऑफ अदर सच पोएट्स. ही सेड समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, पोएट्री ड्रीम्स ऑफ रिवोल्यूशन. इट मेक्स यू थिंक दैट रिवोल्यूशन हैज़ टू बी ब्रॉट टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. ओनली देन यू वेक अप and then you breathe freely in your own country. This is what I also believe in. So I'm going to start with my poem titled Hindustan, which talks about the history of Hindustan, and this talks about the river Sindhu. Sindhu, which is known as Indus, and we are known as Indus Valley Civilization. So what this river may have thought 5,000 years ago, and this river in my poem is slightly angry with us, with our civilization. So presenting to you, Hindustan. Hindustan, na samjhoge to mit jaoge ae Hindustan walo, tumhari daastan tak bhi na hogi daastanon mein. Allama Iqbal. Sindhu River is silent, has been since time immemorial. Its mouth is the dream of gods, wide, deep enough to house thousands of years and civilizations that cannot be wrapped. Even if the earth is paper herself. Sindhu, Sindustan, Hindu, Hindustan. The rhyme, the alliteration, shaping kingdoms that would later be kites and pigeons inside a neatly folded sky. The river pushes her body forward. The sun, a pale lamp, floats on her waters, looks up to Hindu Kush, tries to shade mother goddesses. Or dancing girls of Mohenjo-daro who smile at us from behind museum glasses. Ask them if those who came through Silk Road brought more silk to the barely covered Brahmi, or sowed fruit trees in the tongue, a sweetness that oozes from songs, from a deep well of curly cursive letters, the Nastaliq, that opens history's chest more ancient than the stars. Where women, children, and the old crawl ant-like through the filigree of a bronze lantern glowing on a table, or maybe a tablet reserved for posterity to read its red, red from the blood on streets, from the mouths that kiss the syllables of Kalima and Vande Mataram. Blood of children in skull caps torn into pieces. They were not idols of Somnath, or diamonds in a peacock throne that Nadir Shah dissembled. They were not Mughals or the Turks either. Can you bury the Taj Mahal inside their graves, or send Lal Qila with them? If they're thrown into the Indian Ocean, they sometimes look like Caucasians or the priest king himself. With his nose broken under the vigilance of the third eye, was it gold or a gun wound? They too will be excavated someday by those who look alike, but claim to wear a red or a saffron third eye on their foreheads. What do they know if their genes were mixed on the seafloors of Gulf of Persia and island city of Dwarka? Which carbon dating can separate gods embedded in the heart's veins? Which is nothing but a sketch sent from the above. It opens its eyes and weeps over puddles of blood, black babies, burnt trains. It tries to find which color it belongs to, the rights and the wrongs. Roses pour names of the dead, red scented, yet broken like priceless necklaces. River Sindhu saw her forest swallow the brickkiln, the kith and kin. She was silent even 5,000 years ago, silent when she changed her course. She will be silent again when she changes and chooses her geography, her ocean to pour her heart in.
She's tired of carrying on her back bricks of a broken civilization. She might deposit the name Sindhustan or Hindustan in the womb of oceans, and the world will forget it among its lost treasures till it is awakened again by invaders or rivers. So while we are talking about NRC and CAA, how we can forget the communication clampdown in Kashmir and what these folks have been suffering and going through. And a lot of people now realize what these guys may have been going through over there without internet and with this jackboot operation almost every day. So I'll present you a poem called "A Child for a Child of Kashmir," which tells you the situation of Kashmir through the eyes of an unborn child who is still in the womb of his mother. For a child of Kashmir, child, look, a little paper boat's ways on the violet waters of butchered lullabies on which your mother once put a tear of your dreams and a firefly from her face. Bullets pierce the mouth of the molten moon, your small universe weeps in your tiny palm stained with white blood. Child, do not long for the moon. Tonight it will be cremated by wolves in khaki. Guards of peace, the third of their boots tramples upon the veils, emanating from the red carpet of fresh blood on streets. The night preening its blue plumes drips as broken sounds from the rows of poplars. Silent specters of doom. Child, do not cry. Your beheaded doll will find a grave amid dark pits of deadly shrieks left unburied. Child, hold tightly the velvety wings of a crushed butterfly, even if you see blades of green grass growing out of smashed skulls. Listen, the ghosts of smoke have just sung songs of spring blooming as bleeding hearts from the burnt flowers of Nishad Bagh. Child, they will not get a bouquet of colors in this land anymore, not even in the fractured fingers of your crayons. Behold, child, gray, black, red are the only colors left in Kashmir. Forget the orange of your candy. The brutal blue night will soon remove all colors except red. The devil in the chopper tries to erase the verses written on white wings of the wind. With his fingers smeared with ashes of charred bodies that burnt upon the charcoal of mornings, fire, the snake tongue swallows the glittering pictures of fairies and dwarfs. In your storybooks, tiny sparks hiss on needles of rain. Child, go, the inferno engulfs the morning star that trembles on the liquid glass of your iris. Cover your pink ears, fables, rhymes, claps, or drops of molten lead. Stories of blood and gore flutter as bats licking flowers on the wallpaper of your skin. Strange hands throw the wounded scarlet sun in the black lake where laughter was slaughtered. Even the eye of prophecy is lost in distorted maps. See, child, for a sense, try to mend the shawl of the torn sky that your mother covered herself with. Dirty scrapes of blue cloth fall on graves beneath chinar trees. Child, tell me, will the world ever come to know what it means to breathe inside a dead womb? I will read another one, which is titled A Couplet, and this is also related to Kashmir, and it traces three generations of the land. It's about a grandfather who is having tea at his table. A couplet. My grandfather is at the tea table picking a sugar cube for his tea, humming Faiz Ahmed Faiz. Flowers from the couplet slip on the china saucer. He remembers the words from his textbook that he opened in tulip gardens like hope, alive in his heart in Kashmir. The spoon tinkles with something in his eyes. The sun is too bright to read the correct history in his wrinkles. The couplet slows down like the train he alighted from at Nizamuddin. He looks down at the rim of the cup. The brown water wells up to the top. He has stopped humming, his eyes fixed on the lips of a young man
in a clean shirt. My dad, who also hummed the couplet till the day he came home, wrapped in 2 yards of white. The next poem is in Hindustani and is titled Shaheen Bagh Ke Naam. Raat ek barf ki saleeb hai, un auraton ki aankhon mein kohra utarta hai, jo shirkhar bachchon ko seene se liptaye hue, chimtaye hue, apni ungliyon se us aasmaan ko hilati hai, jahan shayad khuda so raha hai. Ya shayad har ek dil mein us nauzaid bachche ki tarah ro raha hai. जो सहमा हुआ है उन गलियों में उन सड़कों पे इन बागों में जहाँ सब कुछ धुआं धुआं है मकानों से जहाँ खून रिसता है और मकीनों के जिस्म पिसते हैं किताबों से तारीख को दिल्ली में बैठा दीमक चाट रहा है दिलों को ज़मीनों को मकीनों को वो खुदा के नाम पे बांट रहा है और भूल बैठा है कि हर एक दिल में बैठा बुत वही खुदा है जिसकी परछाई मैं भी हूँ तुम भी हो और वो भी है जो ये जो रियाया की रगों में जहर घोल रहा है हजारों बरस की जमी को टुकड़ों में खोल रहा है मगर इसी नगर में इसी शहर में जहाँ सड़कों पे आग के दरिया रवा हैं जिस्म जंदा हैं और लब आज़ाद हैं जहाँ जबाँ पे शबनम झुलसती है और सांसों में कुहासा घुलता है वहाँ चादरों में लिपटी औरतें वहाँ चादरों में लिपटी औरतें अपने लहू में वज़ू करती हैं कुहासे में लिपटे बच्चों के लिए आसानियों का सामान करती हैं अगले पहर जब देर तक उजाला रहेगा सोचना सूरज इनके ही दामन से तुलू हुआ होगा ये कौन है ये जान लेना और इनसे एक किरण तुम भी मांग लेना बहुत शुक्रिया So now we have our next poet, Sayyed Shakil Imdad. So basically he is an Assamese living in Hyderabad and he will give you an account of what is the plight of the failure of NRC in Assam. So the NRC exercise in Assam, as Devika mentioned, right? So this was the second instance of an NRC happening in the state. So the first one was conducted back in 1951. So the recent one was, so we've all read about the fallacies or the lack of, you know, water tightness in its process. There were many anecdotal stories and accounts which used to come in. I'll tell one from my own family. So what happened essentially is my dad. So it you have to give legacy documents, essentially. So you give your dad's documents, or if there's a property, you give the documents related to that. So my dad, my grandfather, my mom, my sister, myself, all of us, our names were included in the first list. For some reason, they did not include my sister, who's in class 12 now. And they did not include my grandmother. So when you go and then try to put in documents, and it might seem trivial because you know, you would feel that okay, there might be some clerical error. And in the next you know, the next list which will be published, the last one was, I believe, in the month of July last year. So in the next list which will be published, you will be, you know, your name will be included. But the kind of tension which I saw in my own grandmother's eyes, who's a octogenarian now, and people are worried. And now I belong to a family which can, you know, we know what to file or whom to refer to. If required, we can approach a lawyer or whatever legal and administrative resources are at our beck and call, right? Now the plight becomes like many folds, like real to a much larger extent when it's a poor people. And we did see a recitation of Mia poetry at the beginning of this. So the context there is the people who have written these poems belong to areas called Chor regions, which are essentially riverine islands which come up during the winters. During summers, when this Brahmaputra starts flooding, those entire landmass gets erased.
like not entirely, but like large parts of it. So they are essentially a nomadic population within the state. So they go and resettle here and there, and they and the land which you know is available during the winter, summer months. That's a very fertile piece of land. So they are primarily an agricultural community. However, with the increase in population and again the lack of land resources, they have migrated to other jobs like, you know, most all proletariat. Basically, it's a working class. So that is the NRC, and it created a lot of, and still the updated list had a lot of errors. My own name example is all fine, but I'm listed as a female. So these are, again, very trivial things for someone like me, probably. But there are people who now, if, let's say, there is an omission from the list due to such, you know, basic human errors, they, you know, could be sent to a detention center, for example. And life within that, we have all read accounts of how, like, you know, people are suffering or are not being, you know, allowed basic legal access, basic access to legal instruments and the likes. Moving on from the NRC, when the CAA was passed by the Rajya Sabha, I think it was on 10th or 11th of January, sorry, December. So the protests in Assam actually were kind of, I won't say precursory, but they preceded the overall, you know, the movements which started off with, let's say, Shaheen Bagh on 15 December. So what was happening is there was a lot of unrest immediately. And what the government did is, so there's an organization called the Krishak Mukti Sangram Samiti, and its leader, Akhil Gogoi, is a prominent working class leader of the state. So the government tried to, you know, like he is still in the custody, and they charged him under the unlawful activities, under the Unlawful Activities Prevention Act, as a someone who has ties to Maoists. Now, this was done very conveniently because at that point in time, he was leading a very large protest in the town of Jorhat, and he was lifted from the place, and his house was searched, and a lot of episodes have unraveled after that. And despite repeated requests and repeated appeals from people across the state, that has not been done. One of the remarkable things as a corollary to this is that the protests in Assam, whenever, like from 11 till 14th, it was a very you know, turbulent time, including Guwahati to especially the districts of Upper Assam. Now, Barak is not very participative in it, but because there are political and socio-political reasons behind that, right? So there were six people who were martyred during these protests, including someone from very near my home by the name of Sam Stafford, who was a musician, 16-year-old. He was returning from a protest rally in front of the Secretariat building, and while he was entering his own by lane, I would say it was not even the main road. There was indiscriminate firing from the police, and the unfortunate thing is the report which was published by the police later on mentioned that Sam died in crossfire, which essentially means he was wielding a weapon and firing at the police, and then he died in crossfire. Whereas we know that is not the case. Like it's like my cousin himself was there in that he dodged a bullet, like he got scratched with a bullet in his arm. So there were four bullets fired. Three first at the people, and then the last one was a blank fire into the, into the skies. So that was the kind of situation which was prevailing, and internet access, phones were very difficult to get through. Internet access was cut off, and in that, so these are just very few anecdotes. Like if you talk to any person who was in Assam during this period, they will let you know of what actually happened. Like I used to, I had to take a leave by staying, like being in Hyderabad, I took a leave because it was taking so much of a toll. My mom would cry on phone, or, you know, like this is happening. We do not have basic groceries and all. So, like, and since Saima, if I'm not wrong, right? Yeah, so she mentioned Kashmir. So we cannot even imagine probably what's going on in the valley there, because in 7 days, I could feel it from here what was going on in Assam, right? So this was something, I won't take much more time. This was something which I wrote on the night of 11th of December. It was a very difficult time, and I was on
constant communication with one of my friends, and he was sending me like till then the internet was available. He was sending me photos of the streets of Guwahati. There were like thousands of people with flames, like mashal leke ja rahe the. There were too many people, and one of the photos he sent was that of a lady. And winter nights in Guwahati are kind of chilly compared to Hyderabad. It's not very cold, but it's kind of chilly. So there was a lady with a young baby, and she was carrying a flame in her hand. So all those photos, all those the conversations that we had over the past over those 2-3 days, especially 11th night, as I said. So I wrote something down on that night, right? I'll recite it. So it's called A Revolutionary's Lullaby. One of those nights which you never wish for, when cries of anger and agony drown the silence piercing the night, when sweat glimmers bright like a thousand eyes in incarceration, when tears flood the sea of the aggrieved and the oppressed, when blood boils and fires up the deepest corners of a forgotten land, when smoke and vapor concoct a maze, the maze pumping life into a thousand numb souls, marching, shouting, weeping, dying. No, we won't let this happen. The voice doesn't die, but only grows stronger. The flame grows ever brighter and grows ever bigger. A flame shouldered by a million comrades. A flame that tastes of blood and justice, a flame of revolution. Ready to challenge the sun on the morrow. The sun, it is unaware, old and deaf and wicked, imagines getting worshipped unabated. It knows not the fire has been lit. Hearts and hearts rekindled with its ember, the horizon bleak, the path treacherous, but the fire burns bright. And burns within the souls which carry it. It burns, as they say, like a dream. A deathless, self-righteous, fierce dream. Inkilab Zindabad rings a cry, piercing that quaint winter night on a forlorn street. And a thousand dreams echo in unison. The songs of revolution drift like lullabies in the shimmering air. And that's how she calls. Our motherland, she calls, and it is time to answer. Thank you. Thank you. So there is another poem that Krishna has sent. Who's next? Whether you believe terrorist was a Muslim Islamist attack or not, what has transpired since has shown that terrorist actions are not something that any religion has total ownership of. So the poem goes like, hate leads to terror, and murder is an act of terrorism. Well, they have made a really good start. They shot a student at point blank range. They got real close, putting guns in his face. Is there a problem here? They have given the all clear for policemen to shoot to kill. So, who now has to fear? Is it Hindus? It would seem not. It's Muslims and the other lot. The other lot means those like me. People who raise their voice, the poor and all others. So much for us being free. Freedom now is obsolete. Those with a voice will now see much more of those whom we call police. Those who work for these MPs, who claim to regret such tragedies, but still won't change their policies. This is now a horrid time, cause words like these may be defined as incitement. When it's just rhyme, this, it seems, is their design. Pay close attention to the following lines. We will imprison or deport anyone attacking the values of the country. He will bring distress to me, I guess. For things I say against the Hindutva, like freedom of speech, will soon be dead. Now I don't own a bulletproof vest. But who needs one when they are aiming at heads? Instead of arms, or better still, legs. These people are humanity's dregs.
Their terror laws are like fishnets, with no fish, but human dead. What they say makes me upset. I'm no Muslim, that's a fact. Of course it's wrong to suicide bomb, but two wrongs don't make things right. We are in dark times without much light, when all we do is incite fights, just because of stereotypes. This is why innocents will die. Tears will flow while many will cry. Tears of sadness from this madness. Madness on TV screens, madness on city streets, madness that will slowly creep. Yes, close to you. Close to me. Don't dismiss, cause you have been missed. At any time you could get hit by a policeman who holds a gun and has the okay to make you run. Because I like this word, human. If you shoot me with a gun, when I bleed, it's blood that runs. Killing is no solution. They have just killed somebody's son. That's what comes from using guns. Needless deaths rise like the sun. While peace now sinks into oceans. This isn't making life much fun. Actually, I'm getting vexed. Cause I am thinking, man, who's next? Thank you. So abhi hamare is mehfil mein shamil hai Tasneem ma'am, to main unse guzarish karti hu ki aap aaye aur thode aapke poetry se please. Adab, ye mere liye gair mutawakkhu hai, फिर भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे कुछ सुनाने का मौका दिया गया है. नज़्म है मेरी आजकल के हालात पर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पेश करना चाहती हूँ. एक कता सुन लीजिए पहले कि तुम्हारे जुल्म की तफसीर बन गए हैं हम. अब अपने देश की तकदीर बन गए हैं हम. जला लिए हैं दिए हमने रोशनी के लिए. जला लिए हैं दिए हमने रोशनी के लिए. अब इनकलाब की तस्वीर बन गए हैं हम. एक नज़्म पेश करना चाहती हूँ, इसका उन्वान है हम आज़ाद हैं. हम अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं. एक बात मैं यहाँ ख़ास तौर से अपनी नज़्म सुनाने से पहले अगर आप इजाज़त दें तो कहना चाहूँगी कि आज हिंदुस्तान में जो ताकत और जो अथॉरिटी ख़वातीन को मिली है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था. आपने देखा शाहीन बाग में ख़वातीन हैं, हर जगह हिंदुस्तान के हर कोने कोने में अगर एहतजाज बहुत ज़ोर से हो रहा है तो वो ख़वातीन कर रही हैं. ये बहुत बड़ी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ आज पूरा माहौल बदला हुआ है. और उसके लिए मैं आज की यहाँ जो ख़वातीन पेश किए हैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया. अब मेरी भी सुन लीजिए थोड़ा सा. मेरा थोड़ा सा एग्रेसिव अगर स्टार्ट है तो कुछ उसको ले लीजिए. अब झूम उठी हैं फ़ज़ाएँ, आज हम आज़ाद हैं. झूम उठी हैं हवाएं, झूम उठी हैं फ़ज़ाएँ, आज हम आज़ाद हैं. अब नहीं घुटती हवाएं, आज हम आज़ाद हैं. फिर से क्यों ताज़ा करें वो भर रहे यादों के घाव. फिर से क्यों ताज़ा करें वो भर रहे यादों के घाव. बुझ गए दौरे ग़ुलामी के सभी जलते अलाव. बुझ गए दौरे ग़ुलामी के सभी जलते अलाव. अब है हयाते नौ हमारी काविशों की मुंतज़िर. है हयाते नौ हमारी काविशों की मुंतज़िर. कामयाबी अब हमारी कोशिशों पर मुनहसर. कामयाबी अब हमारी कोशिशों पर मुनहसर. शेर देखिए, फूल खुशबू रंगो सब्ज़ा और चमन अपना भी है. फूल खुशबू रंगो सब्ज़ा और चमन अपना भी है. है हमारा हक बराबर का वतन अपना भी है. है हमारा हक बराबर का वतन अपना भी है. फूल खुशबू
रंगो सब्जा और चमन अपना भी है, है हमारा हक बराबर का वतन अपना भी है, दर से अमनो आश्ती हमको मिला कुरान से, दर से अमनो आश्ती हमको मिला कुरान से, कुरान से मसलके इंसानियत बस दोस्ती इंसान से, मसलके इंसानियत बस दोस्ती इंसान से, खून इंसानों का पी पी कर बढ़ें जिसकी जड़ें, खून इंसानों का पी पी कर बढ़ें जिनकी जड़ें, हम पनपने ही न देंगे नफ़रतों की कोंपलें, हम पनपने ही न देंगे नफ़रतों की कोंपलें, रास्ते इल्मो हुनर के हमसे होकर जाएंगे, रास्ते इल्मो हुनर के हमसे होकर जाएंगे, मशअले राहे वफा हम रास्ता दिखलाएंगे, मशअले राहे वफा हम रास्ता दिखलाएंगे, शमए अमनो अमा हर सू जलाना है हमें, शमए अमनो अमा हर सू जलाना है हमें, तीरगी नफ़रत की हर दिल से मिटाना है हमें, तीरगी नफ़रत की हर दिल से मिटाना है हमें, हम यहीं पैदा हुए हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं दफन भी होंगे यहीं, हम यहीं पैदा हुए हैं दफन भी होंगे यहीं, अपनी मिट्टी की कशिश पर हमको है पूरा यकीन, अपनी मिट्टी की कशिश पर हमको है पूरा यकीन, फैज़ याबे इल्मो दानिश, फैज़ याबे इल्मो दानिश हर मकान हो जाएगा, है यकीन अपना वतन जन्नत निशान हो जाएगा, है यकीन अपना वतन जन्नत निशान हो जाएगा, खुल गया है इनकलाबे नौ का परचम चार सू, खुल गया है इनकलाबे नौ का परचम चार सू, अब मनाओ खैर, खुल गया है इनकलाबे नौ का परचम चार सू, फैल जाएगी निदाए कामयाबी कूबकू, कोई मौजी हो के ताना शाह हमको क्या गरज, कोई मौजी हो के ताना शाह हमको क्या गरज, इनके मुंह को लग गया है खून पीने का मरस, इनके मुंह को लग गया है खून पीने का मरस, बेटियां बांधे कफन निकली हैं अब बाजार में, बेटियां बांधे कफन निकली हैं अब बाजार में, अब मनाओ खैर छुप जाओ तुम एक गार में, अब मनाओ खैर छुप जाओ जाकर गार में, आज एक आवाज़ होकर हम कहेंगे शान से, हमको है बेहद मोहब्बत अपने हिंदुस्तान से, खून से अब एक नई तहरीर लिखी जाएगी, बेटियों के नाम की तारीख लिखी जाएगी, बेटियों के नाम की तारीख लिखी जाएगी, हथकड़ी का डर है अब ना गोलियों से खौफ है, सर पे बांधा है तिरंगा किसको किसका खौफ है, सर से बांधा है तिरंगा किसको किसका खौफ है, छीन लो हमसे मकान, छीन लो हमसे मकान और लूट लो मेरी दुकान, छीन लो हमसे मकान और लूट लो मेरी दुकान, हम बना लेंगे वहाँ फिर एक सुनहरा आशियाँ, ऐ वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं हम, ऐ वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं हम, मालो दौलत चीज़ क्या है जान फिदा करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू मैम। नहीं नहीं यार ये, सो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट परफॉर्मर मिस्टर जावेद नसीम। सबों की खिदमत में मैं अपना आदाब सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। उम्मीद थी कि यहाँ कम से कम 500 लोगों की महफिल होगी, क्योंकि टॉपिक ऐसा दिया गया था कि मैं समझता हूँ कि हर वो दिल आज जो धड़क रहा है अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, वो हर दिल आज यहाँ अपनी धड़कन बिखेरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 500 की महफिल न सही, अगर महफिल में 5 कदरदान भी हैं तो फिर वो महफिल बहुत ही बड़ी हो जाती है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आज की इस महफिल में साइमा आफरीन, इकबाल पटनी, मोहतरमा तस्नीम जौहर और तमजीद हैदर जैसे लोग नज़र आ रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत ही काफ़ी है। और ये आज की जो महफिल है, ये NRC और जो कुछ चल रहा है CAA और NPR के प्रोटेस्ट के हिसाब से उसके लिए किया गया है। लेकिन
اب اتنا وقت گزر چکا ہے کہ اب اس کے بارے میں مزید اور کچھ کہنے اور بتانے کے لیے ہے نہیں، لہٰذا میں نے جو کچھ لکھا ہے اس دوران ان میں سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو. ویسے اجازت نہ ہو تو بھی پیش کروں گا، کیونکہ مجھے بلایا اسی لیے گیا. پہلے میں چار لائنیں پیش کر رہا ہوں کہ تو سمجھتا تھا مر گئے ہیں ہم، تو سمجھتا تھا مر گئے ہیں ہم، ظلم سے تیرے ڈر گئے ہیں ہم، ہم تو ہیں موجِ تلاطم کی طرح، روک لے اب بفر گئے ہیں ہم، روک لے اب بفر گئے ہیں ہم. اور ایک نظم ملاحظہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت رہو اب تم بھی اٹھو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت رہو اب تم بھی اٹھو، اپنے حق کی نئی آواز لیے تم بھی اٹھو. میں اٹھوں تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، لو سبھی اٹھ گئے اب یار میرے تم بھی اٹھو. اٹھ بھی جاؤ کہ اب آواز حق لگانا ہے، اٹھ بھی جاؤ کہ اب آواز حق لگانا ہے، اٹھ بھی جاؤ کہ اب اس ملک کو بچانا ہے، متحد ہم ہیں حکومت کو یہ بتانا ہے، اب تو ہر حال میں اس ظلم کو مٹانا ہے، اب تو ہر حال میں اس ظلم کو مٹانا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھر سے بکھر جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھر سے بکھر جائیں گے، گولیاں اگر وہ چلائیں گے تو ہم ڈر جائیں گے، گولیاں اگر وہ چلائیں گے تو ڈر جائیں گے. وہ ہیں نادان نا سمجھ، انہیں خبر ہی نہیں، ہم اسی حال میں لڑتے ہوئے مر جائیں گے، ہم اسی حال میں لڑتے ہوئے مر جائیں گے. ہاں مگر ہم سیاہ قانون نہیں مانیں گے، ہاں مگر ہم سیاہ قانون نہیں مانیں گے، اپنی آزادی کو ہم جان سے بڑی جانیں گے، اپنے دستور کی رکشا میں جان دے دیں گے، کچھ بھی کر جائیں گے ہم دل میں اگر ٹھانیں گے، کچھ بھی کر جائیں گے ہم دل میں اگر ٹھانیں گے. اب ضرورت ہے کہ ہم سینہ سپر ہو جائیں، اب ضرورت ہے کہ ہم سینہ سپر ہو جائیں، ان درندوں کے لیے خوف و خطر ہو جائیں، ان درندوں کے لیے خوف و خطر ہو جائیں، ایک ہو جائیں سبھی ان کو مٹانے کے لیے. مٹ گئے ہم جو اگر مٹ کے امر ہو جائیں، مٹ گئے ہم جو اگر مٹ کے امر ہو جائیں، اس لیے تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، اس لیے تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو. اٹھ گئے ہم تو زمانے کو بدل سکتے ہیں، اٹھ گئے ہم تو زمانے کو بدل سکتے ہیں، وہ جو چاہے بھی تو کتنا وہ سنبھل سکتے ہیں، وہ جو چاہے بھی تو کتنا وہ سنبھل سکتے ہیں. اب بھی انصاف کی وہ راہ پہ نہ چل پائے، پھر تو ہم صاحب کرسی کو بدل سکتے ہیں، پھر تو ہم صاحب کرسی کو بدل سکتے ہیں. اس لیے یار میرے تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، اس لیے یار میرے تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو. یہ ایک نظم تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے بار بار کاغذ کی بات آ رہی ہے، کاغذ دکھانا ہے، کاغذ دکھانا ہے، تو اس حوالے سے چند لائنیں ہیں. میرے کاغذ سے پہلے تم میری بنیاد کو دیکھو، میرے کاغذ سے پہلے تم میری بنیاد کو دیکھو، میری قربانیاں دیکھو میرے اجداد کو دیکھو، میری قربانیاں دیکھو میرے اجداد کو دیکھو، تمہاری آنکھ پہ طاقت حکومت ظلم چھایا ہے، تمہاری آنکھ پہ طاقت حکومت ظلم چھایا ہے، اگر ہے دیکھنا لوگوں کی حالت شکوہ و بیداد کو دیکھو. ہٹا لو ظلم استبداد کے بڑھتے ہوئے سائے، ہٹا لو ظلم استبداد کے بڑھتے ہوئے سائے، کروڑوں رہنے والوں کے دل ناشاد کو دیکھو. تمہارے سب ارادے خام ہیں یہ وقت کہتا ہے، تمہارے سب ارادے خام ہیں یہ وقت کہتا ہے، تم اپنے دیش کی اس حالت برباد کو دیکھو، تم اپنے دیش کی اس حالت برباد کو دیکھو. نہیں اچھی تمہاری بے ضمیری اس قدر سمجھو، نہیں اچھی تمہاری بے ضمیری اس قدر سمجھو، ذرا ایک پل کو اپنے وعدہ و الحاد کو دیکھو. اتارو آنکھ سے اب تم انا کے موٹے چشمے کو، اتارو آنکھ سے اب تم انا کے موٹے چشمے کو، ذرا نظریں اٹھاؤ اور اس تعداد کو دیکھو، ذرا نظریں اٹھاؤ اور اس تعداد کو دیکھو. خدائی کا کیا دعویٰ مگر تاریخ شاہد ہے، ارے او بے خبر فرعون کو شداد کو دیکھو، ارے او بے خبر
फिरौन को शद्दात को देखो शिकायत फिर नहीं करना समंदर के बिफरने की शिकायत फिर नहीं करना समंदर के बिफरने की तुम अपने जुल्म की नफरत की इस मियाद को देखो नहीं है फर्क कुछ नहीं है फर्क कुछ भी तुम में और बेदर्द कातिल में तुम अपनी शक्ल देखो या कि एक जल्लाद को देखो तुम अपनी शक्ल देखो या कि एक जल्लाद को देखो नजर आएंगे एक जैसे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो किसी दिलशाद को देखो किसी प्रसाद को देखो किसी दिलशाद को देखो किसी प्रसाद को देखो हुए हैं एक जा हम एक परचम आश्ती लेकर फंसे हो तुम भी अब सर पर नई उफ्ताद को देखो फंसे हो तुम भी अब सर पर नई उफ्ताद को देखो लिया हमने जन्म खाके वतन की पाक मिट्टी में लिया हमने जन्म खाके वतन की पाक मिट्टी में अगर है देखना तो तुम इन्हीं असनाद को देखो अगर है देखना तो तुम इन्हीं असनाद को देखो और अगर वक्त हो तो एक और मैं पेश करना चाहूँगा अगर आप लोग सुनना चाहें ऐसे मेरे बारे में ख्याल पाया जाता है कि मैं जमालियाती शायर हूं और रोमांटिक शायरी करता हूं। देविका वगैरह इस बात से वाकिफ़ है लेकिन जब से यह माहौल चला है तब से न जाने क्यों वो रोमांस कहीं हवा में गायब हो गया है और दिल में सिर्फ और सिर्फ वो संविधान को बचाने की बात आ रही है और अमन आश्ती की बात आ रही है और कैसे इन दरिंदों से पीछा छुड़ाया जाए ये बात आ रही है। बहरहाल इंतज़ार है उस पल का क्योंकि मोहब्बत के बिना रहना और जीना बड़ा मुश्किल है। मैं ज़रा सा वक्त ले रहा हूँ। वतन के लोगों की सारी खुशियों को दिन ब दिन जो निगल रही है लाज़ा कीजिएगा कि वतन के लोगों की सारी खुशियों को दिन ब दिन जो निगल रही है बड़ी अजब है तेरी हुकूमत के जो रियाया को छल रही है बड़ी अजब है तेरी हुकूमत के जो रियाया को छल रही है वतन की हालत है आज ऐसी लहू में जैसे ये जल रही है वतन की हालत है आज ऐसी लहू में जैसे ये जल रही है मगर अब ये दीवार नफरतों की भी धीरे धीरे पिघल रही है। मिटाना चाहो तो ख्वाब देखो हराना चाहो तो ये समझ लो हमारी ताकत हमारी कुव्वत हमारे हमराह चल रही है। मैंने ख़ास तौर से ये शेर अपनी औरतों के नाम रखा है कि आज जो खुद सड़कों पे बैठी हैं मैदान में उतरी हुई हैं और हमारे शाने से शाना मिलाकर इस तहरीक में हमारे साथ चल रही हैं कि मिटाना चाहो तो ख्वाब देखो हराना चाहो तो ये समझ लो हमारी ताकत हमारी कुव्वत हमारे हमराह चल रही है। भले तुम हमें जिस नाम से पुकारो भले हमको तुम कोई नाम दे दो वतन की चाहत हमारे दिल में जन्म जन्म से ही पल रही है वतन की चाहत हमारे दिल में जन्म जन्म से ही पल रही है। खामोश क्यों हो जुबां हिलाओ यकीन ख्यालों में खो गए हो खामोश क्यों हो जुबा हिलाओ ये किन ख्यालों में खो गए हो नजर उठाओ जहां को देखो जहां की सूरत बदल रही है नजर उठाओ जहां को देखो जहां की सूरत बदल रही है। शिकस्ते कामिल है अब तुम्हारी नहीं है कोई गुमान इसमें शिकस्ते कामिल है अब तुम्हारी नहीं है कोई गुमान इसमें हवा चलाई थी नफरतों की जो आश्ती में वो ढल रही है हवा चलाई थी जो नफरतों की वो आश्ती में अब ढल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जावेद साहब। सो नाउ वी हैव द लास्ट टू परफॉर्मेंसेस लेफ्ट फॉर द डे। पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डियाज अकरम जी को आके अपनी शायरी पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम आदाब अर्ज़ो मैं डियाज अकरम बलरामपुरी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ और सबसे ज़्यादा एनआरसी और सीए का असर जिस स्टेट पर पड़ा है
शायद कि वो उत्तर प्रदेश ही है सबसे ज़्यादा जहाँ पर मारेंगे। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बिला किसी तमहीद के मैं अपने शहरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। ज़ालिमों को पता नहीं शायद, अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़ालिमों को पता नहीं शायद, खूने मज़लूम रंग लाता है और खून बहता है जब शहीदों का, तब कहीं इनकलाब आता है, तब कहीं इनकलाब आता है। कि ज़ालिमों को पता नहीं शायद, खूने मज़लूम रंग लाता है, ज़ालिमों को पता नहीं शायद, खूने मज़लूम रंग लाता है और खून बहता है जब शहीदों का, तब कहीं इनकलाब आता है। और मा तरन्नुम एक गज़ल के छः अशआर पेश हैं कि अच्छे दिन की नई पुकार बताओ ना, अच्छे दिन की नई पुकार बताओ ना, 2 करोड़ कहाँ रोजगार बताओ ना, 2 करोड़ कहाँ रोजगार बताओ ना, और 15 लाख हर एक खाते में आएंगे, 15 लाख हर एक खाते में आएंगे, ये नौटंकी फिर एक बार बताओ ना, ये नौटंकी फिर एक बार बताओ ना। और ये अगला मिसरा मुलाजा करें कि वही पुराना नोट सुकून का बाइस था, वही पुराना नोट सुकून का बाइस था, वही 500 और 1000 बताओ ना, वही 500 और 1000 बताओ ना। और कितनी जांच मदरसों की करवा डाले, कितनी जांच मदरसों की करवा डाले, क्या क्या मिला वहाँ हथियार बताओ ना, क्या क्या मिला वहाँ हथियार बताओ ना। और उस पर खास तवज्जो चाहिए कि चौकीदार तेरे इस चौकीदारी में, चौकीदार तेरे इस चौकीदारी में, क्यों होते हैं अत्याचार बताओ ना, क्यों होते हैं अत्याचार बताओ ना। और ये अगला बंद और आखिरी शेर पेश है कि सामने उनके होते हैं हर जुल्म फसाद, सामने उनके होते हैं हर जुल्म फसाद, पर शासन है क्यों लाचार बताओ ना, पर शासन है क्यों लाचार बताओ ना, अच्छे दिन की नई पुकार बताओ ना, 2 करोड़ कहाँ रोजगार बताओ ना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया देविका जी। मेरा नाम लिस्ट में नहीं था लेकिन मैं यहाँ था तो, और मैंने भी कुछ लिखा है तो पेश कर रहा हूँ, देखिएगा तस्नीम साहब। मैं आगाज़ करूँगा शाहीन बाग के उन ख़वातीन के नाम कि हिंदुस्तान जिनके है दिल और दिमाग में, हिंदुस्तान जिनके है दिल और दिमाग में, हमको मिलेंगे आज वो शाहीन बाग में। इस शेर के साथ मैं ये एक गज़ल पेश कर रहा हूँ कि ये ज़ालिम को मोहलत जो दी जा रही है, ये ज़ालिम को मोहलत जो दी जा रही है, ये उसकी क़यामत लिखी जा रही है। और कभी तुमने सोचा है चुप रहने वालों, कभी तुमने सोचा है चुप रहने वालों, तुम्हारी कहाँ खामोशी जा रही है, जो कुछ लोग कहने लगे थे हमें क्या, जो कुछ लोग कहने लगे थे हमें क्या, अब उन तक भी ये दिल लगी जा रही है, अब उन तक भी ये दिल लगी जा रही है, ये अंधों ये गूंगों ये बहरों की पलटन, ये अंधों ये गूंगों ये बहरों की पलटन, जो जालिम कहे मानती जा रही है, और जवानों को बारूद की बू सुंघाकर, जवानों को बारूद की बू सुंघाकर, दुहाई शराफत की दी जा रही है,
جہاں علم و حکمت کا دریا رواں تھا وہاں خون کی ندی چڑھی جا رہی ہے اور چلی جائے گی کل کو انسانیت بھی چلی جائے گی کل کو انسانیت بھی عدالت تو اب پیشگی جا رہی ہے اور جماعت جو رکتی تھی حق کی صدا پر وہ اب سر جھکائے چلی جا رہی ہے اور فرنگی جو اشرار کو دے گئے تھے فرنگی جو اشرار کو دے گئے تھے وہ نفرت گلی در گلی جا رہی ہے اور نہ رکنے نہ سننے سمجھنے کا یارا نہ رکنے نہ سننے سمجھنے کا یارا اور نہ رکنے نہ سننے سمجھنے کا یارا حکومت تو بس بولتی جا رہی ہے اور میرے بھائیوں نام مذہب کا لے کر حکومت تمہیں بانٹتی جا رہی ہے اور یہ ہم روز کیوں موت سے پوچھتے ہیں یہ ہم روز کیوں موت سے پوچھتے ہیں ہماری کہاں زندگی جا رہی ہے یہ ہم روز کیوں موت سے پوچھتے ہیں ہماری کہاں زندگی جا رہی ہے جوانوں اٹھو خواب غفلت سے جاگو کہ بھارت کی عظمت گھٹی جا رہی ہے جوانوں اٹھو خواب غفلت سے جاگو کہ بھارت کی عظمت گھٹی جا رہی ہے یہ ایک دوسرے سے نہیں خود سے پوچھو یہ ایک دوسرے سے نہیں خود سے پوچھو یہ جو جنگ ہے کیوں لڑی جا رہی ہے یہ جو جنگ ہے کیوں لڑی جا رہی ہے اور عزیزو ذرا اور آنسو بہاؤ عزیزو ذرا اور آنسو بہاؤ کہ ظالم کے رخ سے ہنسی جا رہی ہے عزیزو ذرا اور آنسو بہاؤ کہ ظالم کے رخ سے ہنسی جا رہی ہے شہید و اسیر و مبارک ہو تم کو شہید و اسیر و مبارک ہو تم کو کہ اب بات حق کی کہی جا رہی ہے کہ اب بات حق کی کہی جا رہی ہے اور اپنی آخری غزل پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں نہ اس زمین سے نہ اس آسماں سے نکلے گا نہ اس زمین سے نہ اس آسماں سے نکلے گا ہمارا درد ہماری زبان سے نکلے گا نہ اس زمین سے نہ اس آسماں سے نکلے گا ہمارا درد ہماری زبان سے نکلے گا یہ کارواں ہے لہو سینچتے جوانوں کا یہ کارواں ہے لہو سینچتے جوانوں کا اب انقلاب اسی کارواں سے نکلے گا اب انقلاب اسی کارواں سے نکلے گا اور وہ ہوئے گا چمن انقلاب میں شامل جو رنگ خون سرے کشتگاں سے نکلے گا اور ہم اتحاد کی تازہ مثال دے دیں گے ہم اتحاد کی تازہ مثال دے دیں گے ہمارا قافلہ کوئے بتاں سے نکلے گا اور فریب لطف سے گر یوں ہی کام لے دریا فریب لطف سے گر یوں ہی کام لے دریا تو کوئی کیوں صفے لب تشنگاں سے نکلے گا اور یقین حق پہ رکھو دوستو نہ گھبراؤ یقین حق پہ رکھو دوستو نہ گھبراؤ جنازہ ظلم کا ہندوستان سے نکلے گا یقین حق پہ رکھو دوستو نہ گھبراؤ جنازہ ظلم کا ہندوستان سے نکلے گا سبک لگے گا تجھے بھی ستم کا بار گراں سبک لگے گا تجھے بھی ستم کا بار گراں جو تو بھی شکوائے بار گراں سے نکلے گا جو تو بھی شکوائے بار گراں سے نکلے گا اور یہ بھی شعر آخری ہے کہ جو ہوگا حکمت غم پر تجھے یقین تمجید جو ہوگا حکمت غم پر تجھے یقین تمجید تو تیرا دل بھی غم رائے گاں سے نکلے گا نہ اس زمین سے نہ اس آسماں سے نکلے گا ہمارا درد ہماری زبان سے نکلے گا شکریہ سو آئی ٹیک دس اپرچونٹی آن بہاف آف لامکان ٹو تھینک ایچ اینڈ ایوری ون آف یو ہو ہیو بین پریزنٹ ہیئر اینڈ تھینک یو سو مچ فار آل دا لولی پوئٹری دیٹ یو ہیو ڈیسائڈیڈ ایٹ دس ایوننگ وی آر سو گریٹفل ٹو یو تھینک یو اینڈ تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین وی لک فارورڈ ٹو یور کمپنی اگین تھینک یو